कि पता नहीं कि जब अपना मतलब होगा तो लोग जो आपको यूज़ करेंगे। तुम बोल दो मौत नहीं आई, बाकी सबको हम हो गए। क्वेश्चन मेरा खैर हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे आज हॉस्पिटल में मेरा दूसरा दिन है, जा रहा हूँ उसकी को। मुझे सुबह 7 बजे से पहले पहले बिस्किट और चाय वगैरह ऐसा कुछ नाश्ता करना है, क्योंकि 9 बजे के बाद मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो पहले चलते हैं, पहले नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं। ये सुबह सुबह का व्यू यार बहुत अच्छा, बहुत। एक तो घर के मेरे आसपास में ऐसा है ना कि हरियाली नाम की चीज़ ही नहीं है। एक पेड़ था बेचारा, वो भी सूख गया। यहाँ कितना प्यारा है, कल यहाँ बैठे हुए थे और आज भैया इधर अंदर है। चलो मेरे को टाइम कम है, मैं नाश्ता कर चल के फटाफट। इस हॉस्पिटल में सबसे तो फ़ायदा है कि ये अच्छा है, राम राम भाई साहब, कि पेशेंट बाहर निकल सकता है चाय नाश्ता करने के लिए, लेकिन बोरियत महसूस नहीं होती है। यहाँ पर चाय नाश्ता कर लेते हैं, आज आज का है कल से अंदर ही रहना है, क्योंकि ऑपरेशन हो जाने के बाद में। और ये पानी भी ले लिया है, क्योंकि यार अंदर का पानी उतना साफ आ नहीं रहा है, लाइक ना आज का टेस्ट लग रहा है ठीक। तो मैंने कहा भाई पानी ले चलते हैं, कम से कम कुछ पीने के लिए हो जाएगा। लड़ाई हो गई भाई, दो पैसेंजर ने लड़ लिया आपस में। दूध मिला भाई, सुबह से दूध थोड़ा ठंडा कर ले फिर पिया जाएगा। इसको यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या कर रहे हो? फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ, आज इनका ऑपरेशन है, देखते हैं। तो महाराज बताइए, हाउ यू फीलिंग नाउ? अभी अच्छा फील हो रहा है, डर लग रहा है मेरे को, ऑपरेशन होने वाला है इसका। दो तीन दिन से ना सोया नहीं तो इसके कारण यार, ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, दो तीन दिन से वैसा हुआ है। बहुत एक्साइटेड है। मैं जितना सोचता था ना, ये हमेशा बोलते थे मेरा ऑपरेशन कभी नहीं होगा, मेरा मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत हेल्दी हूँ। बैठो पापा, ये मेरे पापा हैं, मतलब मेरे पापा और इनके भी पापा हैं। पापा को ब्लॉग में ले लेती हूँ ताकि याद रहेगा। ऑपरेशन मेरा खैर हो गया है, ये सब सुइयां तो इतनी लगाई जैसे कोई गिनती नहीं है, और मतलब मोटा बाहर गया है, मेरे को देख के रो रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ मैं ठीक हूँ अभी, तो जब तक सुन की दवा लगी तब तक तो ठीक हूँ, जब सुन खत्म होगा तब पता चलेगा कि क्या है और क्या क्या किया है। वीडियो भी देखूँगा मैं, किसने वीडियो में क्या करके रखा है, उन्होंने वीडियो बनाया मिलेगा मुझे, तब देखूँगा। अभी मैं बहुत हंस रहा हूँ, जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा ना तो मैं खूब रोऊंगा, इसी से डरता था पर वो ही हो गया। तो ऑपरेशन होकर सोचता था कि चलो यार मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा भी हो गया। ठीक हो ना? फर्स्ट क्लास। अभी एनेस्थीसिया लगी है ना, इस अभी नीचे का पार्ट आपका सुन होगा ना, पता नहीं चल रहा होगा ना, बस ऊपर ऊपर का पता चल रहा है। ठीक हो जाओ। क्या बोले? बोल रहा था डॉक्टर, बोल रहा था कि राजेश आपका बम बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अच्छा, वाला मेरी मैसेज भी बोलती है आपका बम बहुत अच्छा लगता है।
हंस रहे हो? बहुत कुछ देखा है इसके अंदर भाई साहब। ऐसा टाइम है पूरे वार्ड में कोई नहीं है। अच्छा नहीं, वो एक भैया है, मुझे लगा कोई नहीं है, देख ही नहीं रहता मुझे। मतलब सोच रहा हम दो लोग बचे हैं पूरे इस वार्ड के अंदर और सब चले गए। पापा जी ने भी खाना वाना खाया भी यहाँ पे बैठ करके। थैंक यू यार, इतने मतलब ऐसे क्रिटिकल टाइम में आकर के इन्होंने अपना मतलब घर का काम वगैरह सब छोड़ करके और काफ़ी हेल्प की। क्योंकि एहसान रहेगा, चलो कोई तो है जो आकर के टाइम पर संभाल लिया। उनके घर पर बहुत काम था, मम्मी जी उनके पैर में चोट लगती तब भी आकर के उन्होंने किया। तो थैंक यू, एक एहसान है। कभी होगा तो मैं पक्का उतरूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके इनके लिए करूँगा। और अब वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगने वाली है, डॉक्टर का पता नहीं है कि वो आके इंजेक्शन लगा के जाए, तो बस वो इंतजार कर रहा हूँ। घूमते हुए पंखों को देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। हाँ तो भाई साहब, आज फर्स्ट ड्रेसिंग के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये मान लो मौत नहीं आई, बाकी सब काम हो गया। वहाँ पर आने के बाद चक्कर आ गया, दर्द हो गया। दर्द तो इतना ज़्यादा होता है ना कि बर्दाश्त से बाहर है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हूँ। अब ड्रेसिंग होने के बाद अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई सुई चुभ रही है, निकल रही है, फिर चुभ रही है, फिर निकल रही है, फिर चुभ रही है, फिर निकल रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची होती है ना, मिर्ची थैले दे करके रख दिया अंदर ले आकर के, अब चलो भाई ऐसा लग रहा है। चलो ऐसा हुआ, हंसता हुआ दर्द सब सहन कर लिया। अरे मेरा किसी को भी नहीं मिला, दूसरों को भी नहीं मिला ऐसा है ना। चलो ठीक, कैमरा इन्होंने पकड़ रखा था, ये मेरे से पहले एडमिट हो रखे हैं। अब हंस कैसे रहे ना वो हमें जानते हैं, पर हमको ही पता है अंदर दर्द कैसा हो रहा होगा। सब दोनों महसूस कर सकते हैं। सही बात है, बहुत देर कर लूँ। आपका तो 3 साल हो गया ना पूरा करते करते। मैं अब सोच रहा हूँ ये आपने 3 साल कैसे निकाला होगा, मेरे को तो 3 दिन निकालना मुश्किल हुआ है मेरे को। अभी बोला कल आओगे तो कल भी होगा मेरा भाई साहब, कल भी दर्द होगा क्या? बोला हाँ भाई साहब, धीरे धीरे कम होगा दर्द। ये ठीक हो जाता है पूरा तरीके से, बीमारी जड़ से है। और ये मेरे पापा जी जो बैठे हुए यहाँ पे परेशान है, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रश्न के बाद में और सुबह सुबह मनोरंजन शुरू हो गया यहाँ पे। ये वाले अंकल हैं, ये वाले अंकल और एक ये जो बैठे हुए हैं, ये सुबह से उठते भिड़ जाते हैं, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है किसी ना किसी टॉपिक पे, लड़ते ही अलग अलग बात बोलते हैं। हॉस्पिटल में भांति भांति के लोग मिलते हैं भाई यहाँ पे, भांति भांति की। हाँ ये है कि ऑपरेशन में मेरे दर्द तो हो रहा है, अब क्या करें भाई, बीमारी है तो है, पर टाइम अच्छा पास हो जाता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। वैक्सीनेशन डन, अब सिमरन की रह गई है, उसकी वैक्सीन लगाऊंगा मैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल ही बुला लेता हूँ, और जब आया था तभी पूरा भरा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, पर अब गिनती के एक मेरा बेड है, एक ये है, एक दो अंकल और एक अंकल ये, पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है रियलिटी में कौन अपना है और कौन पराया है। देखो दोस्तों, मिडिल क्लास से हैं अपन, मिडिल क्लास को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम आपस में ना एक दूसरे का प्रेम और रिलेशन चाहिए। पता नहीं क्यों लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को यूज़ कर लेते हैं, अपना काम मतलब निकाल लेते हैं, पर जब रियलिटी में दूसरे को ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत है, ये बस मेरे दिमाग में थॉट आया, तो घूमते टहल रहा था मैं, मेरे थॉट आया कि पता नहीं क्यों जब अपना मतलब होगा तो लोग आपको यूज़ करेंगे, बुलाएंगे, मेरा ये, मेरा वैसा, मेरा ऐसा, पर जब आपकी प्रॉब्लम पड़ेगी ना तो लोग आपसे बात करने नहीं आएंगे, आपका हाल चाल पूछने नहीं आएंगे, उनको भी उनके पास टाइम नहीं होगा, उनका धंधा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उनका काम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ आके ना सुख दुख के साथी का पता चलता है। ये जो सारे लोग हैं ना जो यहाँ पे अभी कुछ देर बाद में आएंगे, जो 4 से 5 लोग हैं ना, ये टोटल मेरे दुख के साथी हैं। इनको मैं आज ज्वाइन मतलब यहाँ पे जब आया था ना, एडमिट होने से पहले मैं मिला नहीं, एडमिट होने से पहले मैं जानता नहीं था। बेचारे आकर के हाल चाल पूछते, बेटा कैसे हो, ठीक हो, ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सुख दुख के अंदर वो भी इन्होंने सपोर्ट किया करके बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग हैं मतलब जिसे जब आया था तब तो मैं जानता नहीं था, पर आज इनको जान रहा हूँ ना,
तो काफ़ी कुछ इफेक्ट सीख करके जा रहा हूँ। और हॉस्पिटल में आया तो मेरे से बुरा नहीं हुआ, एक अच्छा हुआ, एक नया लेसन में सीख करके जा रहा। मैं मानता हूँ ज़िंदगी में अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है ना, वो कुछ आपको अच्छा सिखा के जाता है। नज़रिया आपका डिपेंड करता है कि आप बुरे की तरफ जा रहे हो या अच्छे की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मित्र और ऐसे मुझे चीज़ें मिली जिसको मैं ज़िंदगी में आगे लेके चलूँ। सिखाया है उन्होंने मुझे, सब दुनिया सिखाती है वैसे, सिखाया कि हाँ यार कोई भी रास्ते मिलता है ना, तो आप अगर मन से अच्छे हो तो आपको फीलिंग अच्छी लेके जाते हैं। चलो मैं टहलता हूँ, फिर मिलते हैं अपन।